हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे गेहूं के आटे से कुकीज़ बनाना, वो भी फ्लावर शेप में, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। खाने में तो खैर अच्छा लगता है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है गेहूं का आटा। ये 2 कप गेहूं का आटा है, वजन से 500 ग्राम होगा। ये 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कुटी हुई इलायची, इसे हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमने लिया है 5-6 चम्मच देसी घी, जिसे हमने पिघला लिया है। अब देसी घी को थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए और हाथ की सहायता से हम इसे मिक्स कर देंगे, जिसे हम मोयन लगाना कहते हैं। बचे हुए सारे घी को भी हम इसमें मिला देते हैं और इसे हाथ की सहायता से अच्छे से मसल मसल के इसका मोयन तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मोयन हमने तैयार कर लिया है। और अब ये हमने चाशनी बना लिया है। ये 1 कप चीनी से हमने 1 कप पानी मिला के चाशनी तैयार कर लिया है। इसमें कोई तार नहीं बनाना है, बस इसे पिघला के तैयार कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो अब थोड़ी थोड़ी चाशनी मिलाते हुए हम सख्त आटा बना के तैयार कर लेंगे, जैसे हम पूड़ी का आटा बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और आटे को गूंथ के तैयार करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो चीनी को अलग से भी पीस के मिला सकते हैं। और यहाँ देखिए, आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। ये न तो बहुत टाइट है, न ही बहुत लूज है, एकदम जैसे हम पूड़ी का आटा बनाते हैं, तो उसी तरह से आटा बन के तैयार हो गया है। तो बस इसे हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। और इधर हमने गैस पर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। और जब तक तेल गर्म होता है, तब तक हम कुकीज़ बना लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा आटे में से लोई लेंगे और इस तरह से इसे हम गोल गोल बना के और बिल्कुल एक मोटी रोटी के जैसे हम बना के तैयार कर लेंगे। जैसे हम मोटी रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बना लेंगे। थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे, जिससे कि आसानी से बेल लें। तो देखिए, इस तरह से बेल लिया है हमने। और अब एक छोटी सी गिलास से लेके उसको हम काट लेते हैं। आपके पास कुकीज़ कटर है तो कुकीज़ कटर से काट लीजिए, वरना एक कोई गिलास कटोरी आराम से कट जाएगा। और अब जो एक्स्ट्रा आटा है, उसे हम हटा देंगे। तो अब चलिए डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। एक चाकू की सहायता से हम इसमें 4 कट लगाएंगे, एक एक से 1.5 इंच का। पूरा नहीं काटना है हमें, बस 1 से 1.5 इंच तक का कट हमें लगा लेना है। और बस अब हाथ से इस तरह से पकड़ के हम ये जो साइड का हिस्सा है, उसे हम दबा देंगे। बस आप एक बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि इसे हम किस तरह से बना रहे हैं। इसी तरह से हम बना देंगे तो ये फ्लावर डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। और फिर एक फॉक से यानी कांटा से उसे बीच में हम डिज़ाइन बना देंगे। इस तरह से बना देंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। और बीच में आप चाहें तो काला तिल लगा दीजिए या सौंफ लगा दीजिए, अच्छा दिखेगा। तो देखिए, इस तरह से हमने फ्लावर कुकीज़ बना के तैयार कर लिया है। और इसी तरह से हम सारे फ्लावर कुकीज़ बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए एक और बनाया जाए। ये देखिए, थोड़ा सा फास्ट करके मैं दिखा दे रही हूँ। बनाने का तरीका वही है, बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाते जाएंगे।
और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप वैसे भी कुकीज़ बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको अगर बना के बीच में रख देंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से इसको भी हमने बना लिया है और इसी तरह से हम सारे फ्लावर कुकीज़ बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने कुछ कुकीज़ बना के तैयार कर लिया है, तो चलिए अब इन्हें तलते चलते हैं। यहाँ पर देखिए तेल गर्म हो चुका है, तो हम फ्लावर कुकीज़ को तेल में डाल देंगे। तेल को हमने पहले पूरा गर्म कर लिया है बढ़िया से, उसके बाद से आंच को मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें कुकीज़ को डालते जाएंगे जितना इसमें आ जाए, और इसे अब मीडियम आंच पर सिकने देते हैं। यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया है, तो अब इसे हम फ्लावर कुकीज़ को पलट देंगे और बस इसे पलट पलट के हम सेकते जाएंगे। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है फ्लावर कुकीज़, बच्चे तो इसको मांग मांग के खाएंगे। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और फ्लावर कुकीज़ हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी की बची हुई जो फ्लावर कुकीज़ है उसे भी हम तल के तैयार कर लेंगे। तो अब बिल्कुल उसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए फ्लावर कुकीज़ को भी बना के तैयार कर लेंगे। सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे और फिर उसे पलट पलट के सेक लेंगे। तो देखिए ये हमारी फ्लावर कुकीज़ भी लगभग सीख चुकी है और ये कितना प्यारा सा कलर आया है। तो ये हमारी फ्लावर कुकीज़ बनके तैयार है और आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि फ्लावर कुकीज़ कैसी बनी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।